आमिना तेरे घर में, आमिना तेरे घर में, नबियों का नबी आया, दिल झूम गया, दिल झूम गया, सुन कर के खबर फौरन पूछ दिल जो थर्राया, दिल झूम गया, ये निहायत ही अदब व एहतराम से आप ही के दो मिसरों से मैं आपको आवाज देना चाहूंगा। अपना ईमान अपनी इज्जत आमना का लाल है, अपना ईमान अपनी इज्जत आमना का लाल है, सब मुसलमानों की चाहत आमना का लाल है, सब मुसलमानों की चाहत आमना की लाल है। फूल ने, तितली ने, कलियों ने, सितारों ने कहा, फूल ने, तितली ने और कलियों ने, सितारों ने कहा, चांद से भी खूबसूरत आमना का लाल है। आइए पूरे मजमे से एक बार गुजारिश करूंगा कि एक बार सुभान अल्लाह बोलकर बोलकर इस्तकबाल करें पूरा मजमा। अब देखना मुजम्मिल हयात में कितना जोश आप दिखाते हैं। असद आजमी के कलाम जिस तरीके से मेयारी थे उसी तरीके से आपने मोहब्बतों से भी नवाजा। इसके लिए आप तमाम सामईन का, तमाम बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत उलमाए किराम शोरा इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं यहीं से एक मतला और कुछ बंद पढ़ना चाहता हूं, ताकि अगर धीरे धीरे अगर मैं गर्म हो गया तो इंशाल्लाह, खुल गया तो इंशाल्लाह फिर आपकी पूरी खिदमत करने की कोशिश करूंगा। तो तैयार है सुनने के लिए? माशाल्लाह। आइए मतला एक पेशे खिदमत है, बतौर खास मुलाहिज़ा फरमा ले। बोलो ये खुलकर, क्या कहने, मोमिन हो तो मोमिन बोलो ये खुलकर, मोमिन हो मोमिन, मोमिन हो मोमिन, मोमिन हो मोमिन, बोलो ये खुलकर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मोमिन हो मोमिन, बोलो ये खुलकर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हम हैं गोलामे, हम हैं गोलामे, हम हैं गोलामे, फारूक हैदर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हम हैं गोलामे, फारूक हैदर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, के वो हमें सदाचे से काजी कहाँ है, वो हमें सदाचे से काजी कहाँ है, हजरत उमर के सिपाही कहाँ है, वो हमें सदाचे से काजी कहाँ है, हजरत उमर के सिपाही कहाँ है, दुश्मन के छाके छोड़ाए जिन्होंने, दुश्मन के छाके छोड़ाए जिन्होंने, ऐवान बातिल हिलाए जिन्होंने, ऐवान बातिल हिलाए जिन्होंने, दिल से दिल से दिल से दिल से यही एक नारा लगा कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, दिल से। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद मुजम्मिल हयात। आज अगला बिल पेश करता हूँ, बता दे खास शिरकत चाहता हूँ, मुनादा करें, मतलब पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े, कि मोमिन हो मोमिन, बोलो ये खुलकर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पूरा मजमा, पूरा मजमा, के मोमिन हो मोमिन, बोलो ये खुलकर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये ऐसा नारा है
कि आपके बदन के में दौड़ने वाला खून जो है इस वक्त बिल्कुल बुलेट ट्रेन से ज्यादा रफ्तार में दौड़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और दौड़ाए उसी रफ्तार में। हाजिर कर रहा हूं मैं, अदा करें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। के हम है गुलामी फारूक हैदर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। के भुलाए न जाए के वो बदेर वाले, के भुलाए न जाए के वो बदेर वाले, वो हमजा के जैसे बहादुर जियाले, वो हमजा के जैसे बहादुर जियाले। फतेह हजारों पे पाई जिन्होंने, फतेह हजारों पे पाई जिन्होंने, दुश्मन को धूले चटाई जिन्होंने, दुश्मन को धूले चटाई जिन्होंने, 313 313 313 का था वो लश्कर। अल्लाह क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाबे मुजम्मिल हया सीतामढ़ी, जनाबे मुजम्मिल हया सीतामढ़ी, जनाबे मुजम्मिल हया सीतामढ़ी, जनाबे हाफिज अबू दर साहब मदरसा इस्लामिया रशीदिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एकदम दबी हुई आवाज में भी आप इतनी मोहब्बतों से सुना, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह धीरे धीरे मैं खुल रहा हूँ, और जैसे जैसे खुलूंगा वैसे वैसे इंशाल्लाह पिस तक आने की कोशिश करूंगा। हाजिर कर रहा हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सैयद शाह फैसल साहब, अगर एक एक मिसरे अगर सच्चे नजर आए तो आप बोलिएगा, अगर सच्चे मिसरे हो तो। हाजिर कर रहा हूं मुलाहिजा फरमाए कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। के मोहब्बत मुसाबा इंसाफ हिकमत, के मोहब्बत मुसाबा इंसाफ हिकमत, हमीने सिखाई जहां को हुकूमत, हमीने सिखाई जहां को हुकूमत। है क्या चीज हम ये बताना पड़ेगा, है क्या चीज हम ये बताना पड़ेगा, वही नारा फिर से लगाना पड़ेगा, वही नारा फिर से लगाना पड़ेगा। जो रहता था अस्हाब के, जो रहता था अस्हाब अहमद के लब पर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जो रहता था अस्हाब के, जो रहता था अस्हाब अहमद के लब पर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और ये बन हाफिज अबू सर साहब जिन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को सजाया, जो हमारे दाई हैं उनके हवाले से ये बन हाजिर करता हूँ। बतौर खास मुलाहिजा फरमाए, शिरकत चाहता हूँ, दाई से बेदारी चाहते हुए हाजिर कर रहा हूँ मुलाहिजा फरमाए कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। के भरोसा था बातिल को ताकत पे जिसके, के भरोसा था बातिल को ताकत पे जिसके, सहाबा ने दुनिया पलट डाली उसके, सहाबा ने दुनिया पलट डाली उसके, जब उनको आलम दे के भेजा नबी ने, जब उनको आलम दे के भेजा नबी ने।
तो मैदान में आ के हजरत अली ने ये नारा लगा कर ये नारा लगा कर ये नारा लगा कर ये नारा लगा कर उखाड़ा सा खैबर अल्लाहु अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत अच्छे मुजम्मिल है यार सर ये नारा लगा कर उखाड़ा था खैबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लखनऊ इस शहर के अदब से जुड़े हुए लोगों एक बड़ा ही खूबसूरत संबंध आपकी समातों के हवाले करता हूँ। बतौर खास मुलाहजा फरमाए इरशाद पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह और ये बन बतौर खास दाए से पूरी बेदारी चाहते हुए हाजिर कर रहा हूँ मुलाहजा फरमाए के अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर के झुका है किसी से न ये झुक सकेगा के झुका है किसी से न ये झुक सकेगा मोहम्मद का परचम ही ऊंचा रहेगा झुका है किसी से न ये झुक सकेगा मोहम्मद का परचम ही ऊंचा रहेगा दुनिया हिला दे के जिस दिन उठेंगे दुनिया हिला दे के जिस दिन उठेंगे सितम को मिटा दे के जिस दिन उठेंगे सितम को मिटा दे के जिस दिन उठेंगे टूटी हुई हाँ टूटी हुई हाँ टूटी हुई अपनी तलवार लेकर अल्लाह अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत अच्छी दुआ अपनी तलवार लेकर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक बंद इस कलाम का बड़ा ही खूबसूरत बंद है हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाहजा फरमाए कि अल्लाह पूरा मजमा दोनों हाथों उठा के कि अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर के न घबरा ओ तशरीफ लाएंगे मेहदी जिंदाबाद के न घबरा ओ तशरीफ लाएंगे मेहदी खिलाफत का झंडा उठाएंगे मेहदी खिलाफत का झंडा उठाएंगे मेहदी तजालियत को जहां से मिटाने तजालियत को जहां से मिटाने ईसा भी दुनिया में है आने वाले ईसा भी दुनिया में है आने वाले बदल देंगे दुनिया के बदल देंगे दुनिया बदल देंगे दुनिया को हम साथ मिलकर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद मुजम्मिल हयात सीतामढ़ी आली जनाब मुजम्मिल हयात के बदल देंगे दुनिया को हम साथ मिल कर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर के यहूदी वो ईसाइयत का घराना के यहूदी वो ईसाइयत का घराना है ये सारा जमाना हमें जानता है ये सारा जमाना सबक हमने किसरा को भी है सिखाया सबक हमने किसरा को भी है सिखाया मुसलमान है क्या रू में कोई ये बताया मुसलमान है क्या रू में कोई ये बताया
कि हमारी ही ठोकर, कि हमारी ही ठोकर, हमारी ही ठोकर में है ताज कैसर। अल्लाह हो अकबर, अल्लाह हो अकबर, हमारी ही ठोकर में है ताज कैसर। आखिरी बंद इस कलाम का और बड़ा ही खूबसूरत सा बंद हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए के अल्लाहु अकबर, अल्लाह के अल्लाहु अकबर, के अल्लाहु अकबर, के अल्लाह हो अकबर, अल्लाह हो अकबर, के है अपने लहू में वतन की मोहब्बत, के है अपने लहू में वतन की मोहब्बत, धड़कता 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 है सीनों में दिल बन के भारत, के है अपने लहू में वतन की मोहब्बत, धड़कता है सीनों में दिल बन के भारत, यहीं पर जिएंगे यहीं पर मरेंगे, यहीं पर जिएंगे यहीं पर रहेंगे, के मर कर वतन में मिलेंगे, के मर कर दिखा के वतन में मिलेंगे, के उठेंगे इसी खाक, के उठेंगे इसी खाक, के उठेंगे इसी खाक से रोज महशर। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर, बहुत अच्छे आइए यहाँ से एक मतला फरमाइश आई है, वो मतला हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। तैयार है सुनने के लिए, क्योंकि जबरदस्ती का आपकी समाज के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। तैयार है तो हाजिर करूंगा, और ये मतला बहुत ही प्यारा सा मतला, ये मशहूरे जमाना कलाम है मेरा, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा गया, हाजिर करता हूँ बतौर खास। बिल्कुल मैं चुन चुन के लाया था कि बिल्कुल ताजा ताजा मतला सुनाऊंगा आपको। के अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अजमत में बड़ा सरकार के जैसा कोई नहीं, के ईमान है ये ईमान मेरा, ईमान है ये ईमान है ये ईमान मेरा, सरकार के जैसा कोई नहीं, अल्लाह के कसम अजमत में बड़ा सरकार के जैसा कोई नहीं। ये शेर बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ मुलाहिजा फरमाए, इरशाद है कि फूलों ने कहा कलियों ने कहा, 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 तैबा के हसी मौसम ने कहा, कि फूलों ने कहा कलियों ने कहा, तैबा के हसी मौसम ने कहा, फूलों ने कहा कलियों ने कहा, तैबा के हसी मौसम ने कहा, फूलों ने कहा कलियों ने कहा, फूलों ने कहा कलियों ने कहा, तैबा के हसी मौसम ने कहा, के इतराते हुए ये बोली हवा, इतराते हुए ये बोली हवा, सरकार के जैसा कोई नहीं, अल्लाह के कसम अज़मत में बड़ा सरकार के जैसा कोई नहीं। और ये भी खूबसूरत सा शेर इस नाथ पाक का बतौर खास मुलाहिजा फरमाए, कि आका आका आका, के आका पे जो कूड़ा डाल देते,
आका पे जो कूड़ा डाल दे थे, आका पे जो कूड़ा डाल दे थे, आका पे जो कूड़ा डाल दे थे, पहुंचे जो आदत कूस के, के आका पे जो कूड़ा डाल दे थे, पहुंचे जो आदत कूस के, आका पे जो कूड़ा डाल दे थे, पहुंचे जो आदत कूस के, आका पे जो कूड़ा डाल दे थे, पहुंचे जो आदत उसके यह देख के बोली वो बुढ़िया, यह देख के बोली वो बुढ़िया, सरकार के जैसा कोई नहीं, अल्लाह के कसम वज मत में बड़ा, कसम वज मत में बड़ा, सरकार के जैसा कोई नहीं सरकार के जैसा कोई नहीं। और आखिरी बंद इस कलाम का हाजिर कर देता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि सिद्दीक उमर उस्मान गनी, बतौर खास कि सिद्दीक उमर उस्मान गनी, किसी दी उमर उस महन गनी, हमजा तलहा हसनैन अली, किसी दी उमर उस महन गनी, हमजा तलहा हसनैन अली, सीधी उमर उस महन गनी, हमजा तलहा हसनैन अली, सीधी उमर उस महन गनी, हमजा तलहा हसनैन अली, सारे सहाबा कनारा, सरकार के जैसा कोई नहीं, अल्लाह के कसम मत बहुत अच्छे जिंदाबाद, सरकार के जैसा कोई नहीं। कलाम की फरमाइश है वो हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाइश, सुनेंगे तैयार है कि घर घर पहुंचे कुरान, घर घर पहुंचे कुरान, कि घर 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 पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे, घर 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 पहुंचे कुरान, घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे, कि घर घर पहुंचे कुरान, घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे, कि ले आए ले आए ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे, ले आए ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे, मिलके बोलिए के ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते, यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे, के आतिश की पूजा बंद हुई, के आतिश की पूजा बंद हुई, कुफार की तेग कुंद हुई, आतिश की पूजा बंद हुई, कुफार की तेग कुंद हुई, शैतान थे सारे है बत में, शैतान थे सारे है बत में, फारूक के दौर खिलाफत में, फारूक के दौर खिलाफत में, फारूक के दौर खिलाफत में, हम जीत गए ईरान, हम जीत गए ईरान, यही तो नबी, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह मुजम्मिल हयात साहब जिंदाबाद, बहुत थोड़ा सा कि हम जीत गए ईरान, यही तो नबी चाहते थे,
मैं यहीं तक छोड़ूंगा, आगे आप ही को पढ़ना है कि हम जीत गए ईरा तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे, ले आए ले आए ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते, यही तो नबी चाहते थे। ये बन बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ इरशाद भाई, बतौर खास समाप्त फरमाए इनायत के पूरब से लेकर पश्चिम तक, के पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, टोपी वालों की बरकत से, टोपी वालों की बरकत से, दाढ़ी वालों की मेहनत से, दाढ़ी वालों की मेहनत से, चमका है यही हिंदुस्तान, यही तो नबी चाहते थे, कि चमका है यही हिंदुस्तान, यही तो नबी चाहते, यही तो नबी चाहते थे, ले आए ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे। और इस कलाम का जो बेहद खूबसूरत बंद है, जिस बंद पे जहाँ पढ़ा वहाँ हंगामा बरपा हुआ, वो बंद हाजिर करता हूँ बतौर खास तारिक सैयद शाह फैसल साहब, आपकी पूरी तवज्जो चाहते हुए ये बंद बतौर खास मुलाहिजा फरमाए, इनायत के ले आए ले आए ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे, ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे, जो अहले देश के दुश्मन थे, के जो अहले देश के दुश्मन थे, दुश्मन थे असहाब के पके दुश्मन थे, फारूक की मार से बचने को, फारूक की मार से बचने को, फारूक की मार से बचने को, वो छोड़ के माँ के मदीने को, वो छोड़ के माँ के मदीने को, वो छोड़ के माँ के मदीने को, सब भाग गए ईरान, यही तो नबी चाहते, थोड़ा सा कमजोर पड़ गए आप, जैसे मेरी आवाज इस वक्त कमजोर है वैसे आप कमजोर पड़ गए, वैसे कमजोर थोड़ी सी और बेदारी, के सब भाग गए ईरान, यही तो नबी चाहते थे, ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। और ये भी शेर, ये भी बन बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए बतौर खास समाज फरमाए, कि जिस राह से आप गुजरते थे, जिस राह से आप गुजरते थे, जिस राह से आप गुजरते थे, जन्नत के नक्श उभरते थे, जिस राह से आप गुजरते थे, जन्नत के नक्श उभरते थे, इबलीस के शागिर्द डरते थे, इबलीस के शागिर्द डरते थे, कुफार के पांव लरजते थे, कुफार के पांव लरजते थे, कुफार के पांव लरजते थे, रोता था बहुत शैतान, क्या कहें कि रोता था बहुत शैतान, यही तो नबी चाहते थे, कि यही तो नबी चाहते थे, ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। आखिरी बंद और फिर आपसे इजाजत चाहता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए, कि दुनिया को दे दो ये पैगाम, कि दुनिया को दे दो ये पैगाम, क्या कि हमें जान से
प्यारा है इस्लाम के दुनिया को दे दो ये पैगाम, हमें जान से प्यारा है इस्लाम। जो इस पर उंगली उठाएगा, जो इस पर उंगली उठाएगा, बेमौत वो मारा जाएगा, बेमौत वो मारा जाएगा, बेमौत वो मारा जाएगा। हम करते हैं ये ऐलान, यही तो नबी चाहते कि हम करते हैं ये ऐलान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते हैं।